नमस्कार, मैं हूं जी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। रोड न होने की वजह से घर तक एम्बुलेंस नहीं पहुंचने पर खाट पर उठाकर बीमार महिला को ले जाना पड़ा अस्पताल। मध्य प्रदेश में पिछले 15 वर्षों से बीजेपी के सरकार है और शिवराज सिंह मुख्यमंत्री के रूप में मध्य प्रदेश में विकास के दावे करते नहीं थकते, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। स्क्रीन पर चल रही इस वीडियो को गौर से देखिए। यह वीडियो मध्य प्रदेश स्थित त्योंथर तहसील के ग्राम पंचायत बहरा की है। गरीब किसानों के घर तक सड़क नहीं होने के कारण एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई तो बीमार महिला की जान बचाने के लिए पीड़ितों को खाट पर उठाकर अस्पताल ले जाना पड़ा। सड़क की बदहाली से परेशान ग्रामीण पहले भी इस सड़क की मांग को लेकर कई बार स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि और जिला प्रतिनिधि से गुहार लगा चुके हैं। कई बार तो भूख हड़ताल एवं प्रदर्शन भी करना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रशासन और सरकार से आश्वासन ही मिलता रहा। आपको बता दें कि इस क्षेत्र के विधायक शिवराज सिंह चौहान के कोरोना संक्रमित होने की वजह से उनके स्वस्थ होने की कामना कर अन्न जल का त्याग कर भगवान की आराधना में लीन हो गए थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या विधायक जी इन ग्राम वासियों के घर तक सड़क निर्माण के लिए वैसी ही तत्परता दिखाएंगे। विगत कई वर्षों से इस बहरा ग्राम पंचायत की सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है, जबकि यहां विगत 20 वर्षों से भाजपा के ही विधायक रहे हैं। लोगों ने यह भी बताया कि यह कोई आज की घटना नहीं है, हम लोगों के साथ कई वर्षों से ऐसा घटित होता आ रहा है। हर किसी को इस समस्या से जूझना पड़ता है और हम लोगों ने बहुत कोशिश किए, स्थानीय प्रशासनी सहित जिला प्रशासन तक से प्रार्थना की, लेकिन कोई हमारी सुध लेने को तैयार ही नहीं है और ना ही कोई जनप्रतिनिधि या क्षेत्र के नेता हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए सामने आ रहे हैं। लोगों ने बताया कि हम लोग इस समस्या से बहुत परेशान हो चुके हैं, यदि शासन प्रशासन हमारी समस्याओं का जल्द कोई समाधान नहीं करता है तो मजबूरन हम लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पुनः सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अब यह देखना दिलचस्प हो गया है कि क्या इस गंभीर विषय पे जिला प्रशासन या फिर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि कब इस समस्या का समाधान करते हैं, या फिर एक बार फिर यह मामला बाकी अन्य मामलों की तरह दबकर रह जाएगा। आइए देखते हैं स्थानीय लोगों ने इस बदहाल सड़क की परेशानी को लेकर क्या कुछ कहा। त्योंथर से हमारे रिपोर्टर आशुतोष शुक्ला की यह रिपोर्ट। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं आपका, मेरा नाम ब्रिजेश कुमार विश्वकर्मा है। क्या कहना है खाट के मामले में? खाट के मामले में यदि यहाँ पर कोई बीमार हो जाता है, बीमार होने पर इतनी दिक्कत होती है, जिस किसी परिवार में, किसी भी सदस्य के परिवार में बीमार हो जाता है बंदा, उसे चारपाई पे ले जाते हैं हम लोग यहाँ पर। और जब से हमारा जन्म हुआ, जब से हम जानकार हुए, जब से यहाँ पर कोई रोड नहीं है। यदि हम स्कूल जाते थे तो हमारे माता पिता स्कूल ले जाने के लिए अपने कंधे पर या गोदी में लेके हमें स्कूल तक छोड़ने जाते थे। इस वजह से हम चाहते हैं कि यहाँ पर रोड बने, और रोड यदि सर किसी को यकीन नहीं है तो एक बार आके बारिश के मौसम में मुआयना करके देख लें। मैं आपका राम सगा सागर। ये खाट वाला क्या मामला है, आप कैसे? खाट वाला मामला ये सब साहब की तबीयत, औरत की गड़बड़ हो गई, बरसात का मौसम, रोड नहीं है, ले गए हम लोग कुछ दूर खटिया पे, खटिया पर से फिर आगे व्यवस्था किया साधन बाधन, मोटरसाइकिल से टम्पू शम्पू आने कोई व्यवस्था नहीं है, रोड नहीं है बिल्कुल। 2 किलोमीटर शंकागढ़ जाने में एकदम खराब है, फिर किसी तरह मने पहुँचता है वहाँ, और सब गाँव वालों को यही दशा आती है। अच्छा, तो आप कितने दूर तक ले गए हैं खटिया पे? कूड़ी के करीब में साहब, बरहा कूड़ी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में है। आपने कभी किसी से कहा? अब किसी से किससे कहें साहब, जिससे अब किससे कहे लायक हम लोग हैं नहीं है। अच्छा, आपकी आज तक इस गांव में रोड कभी बनी कि नहीं बनी? हमारे सुध में तो कभी नहीं बनी है, कभी नहीं बनी। आपका नाम क्या है? मैं संजय सिंह बघेल, मेरा नाम है, मैं सामाजिक आरटीआई कार्यकर्ता हूँ। इस गांव की दुर्दशा ये है कि बरहा से कूणी तक पहुँच मार्ग नहीं है। अभी एक दिन दो दिन पहले ही राम सखा साकेत अपनी पत्नी को चारपाई में लेटा करके ले गए अस्पताल। रीवा 90 किलोमीटर दूर है, त्योंथर यहाँ से जो तहसील है मध्य प्रदेश का है वो 30 किलोमीटर दूर है। यहाँ के लोग नज़दीकी शंकरगढ़ जो कि उत्तर प्रदेश में आता है 3 से 4 किलोमीटर के बीच में है, और वहीं पे लोग इलाज कराते हैं और खाट से ले जाते हैं। रोड में मेरी उम्र 40-45 साल हो गई, मैंने कभी रोड बनते नहीं देखा। दुर्भाग्यपूर्ण है, लोग कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास होगा, पर ये सामने है कि लोग आज इस जमाने में देश आज़ाद होने के बाद खाट पर लोग ले जा रहे हैं मरीजों को, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात। नाम है आपका? धनराज सिंह।
ये आपके गांव में बरहा पंचायत जो टोडर तहसील के अंतर्गत रीवा जिले में आता है जी, ये क्या मामला है? यहाँ रोड के बहुत समस्या है साहब, जब कोई भी दिक बीमार पड़ता है तो खाट से ले जाना पड़ता है 2 किलोमीटर, तब वाहन वहाँ आता है, भाड़े से हम लोग वाहन मंगाते हैं, वो वाहन गांव आने के लिए तैयार नहीं होता, रोड ही नहीं हमारे गांव में। अच्छा, फिर आप लोग कहाँ ले जाते हैं इलाज कराने के लिए? शंकरगढ़। तेउथर यहाँ से कितनी दूर है? तेउथर यहाँ से 30 किलोमीटर। और रीवा कितनी दूर है? 110 किलोमीटर। 110 किलोमीटर, मतलब आप सीमावर्ती गाँव में रहते हैं जी। यहाँ आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने ऐसा कुछ काम किया? हमारे जानकारी में नहीं। रोड बनी ही नहीं? नहीं बनी। चलने लायक है? नहीं, पैदल ही भारी पड़ता है चलने में।